देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। देवघर एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि एक साथ 5 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर देवघर पुलिस ने 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आज कहते हुए जानकारी दी कि देवघर जिले के बूढ़े करो, मधुपुर, पथरौल और सारठ थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जिसमें 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एसपी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी साइबर अपराधियों के पास से कुल 32 मोबाइल फोन, 59 सिम कार्ड, 12 पासबुक, 2 चेकबुक और 11 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये सभी साइबर अपराधी पारंपरिक तरीके फर्जी बैंक अधिकारी बनकर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर, केवाईसी कराने के नाम पर लोगों से साइबर अपराध की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसके अलावा यह सभी विभिन्न तरह के पेमेंट डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर ओटीपी हासिल कर लोगों के पैसे गायब कर दिया करते थे। वहीं देवघर एसपी ने कहा कि साइबर थाना पुलिस और देवघर पुलिस के संयुक्त अभियान में यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो देवघर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। साथ ही इन सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। साइबर अपराधियों के विरुद्ध देवघर पुलिस का विशेष अभियान जारी है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत विगत रात्रि 2 टीमों के द्वारा बूढ़ई, करौं, पथरौल, मधुपुर और सारठ थाना क्षेत्र में छापामारी की गई। एक टीम का नेतृत्व DYSP मंगल सिंह जामोदा और दूसरी टीम का नेतृत्व DYSP साइबर नेहा बाला कर रही थी। इन दोनों टीमों के द्वारा कुल 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 32 मोबाइल, 59 सिम, 12 पासबुक, 2 चेकबुक और 11 ATM बरामद हुआ है। अभियुक्त सीताराम मंडल पूर्व में मधुपुर से 2018 के कांड में, जो कि साइबर का कांड था, उसमें जेल जा चुका है और जमानत पर मुक्त था। अभियुक्त जाहिद अंसारी साइबर अपराधियों को फर्जी खाता उपलब्ध कराता था, उसके एवज में उसे 20% कमीशन मिलता था। गिरफ्तारी सर घर से हुई है या और? कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी घर से हुई है, कुछ का जंगली और मैदान क्षेत्र से हुई है, कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी एक टेंट से हुई थी, जहां पे वो टेंट में एक साथ रात में सो रहे थे। पुलिस की सटीक सूचना के आधार पर इन लोगों को खदेड़ कर पकड़ा गया है। कुछ जगह संबंधित सर, कुछ SP चंचल वगैरह, इस संबंध में जांच चल रही है।